कचरे को फेंकने का एक सही ढंग होता है और हर कचरे के लिए वो तरीका अलग होता है। अगर कोई चीज बिल्कुल खराब हो जाए तो उसे फेंक देना सही होता है, लेकिन अगर उसे ठीक किया जा सकता है तो हमें उसकी खराबी को ढूंढकर उसे ठीक करना होता है। पर क्या ऐसा फायदेमंद है? राम, ये लो डॉक्यूमेंट। हे, आज रात मेरे साथ आओगी क्या? अच्छा ठीक है, उन्हें भी इनवाइट करना। ठीक है, मैं कॉल करूंगा। हाँ, पक्का है ना? ओके। ये देखो नंबर। हे, ये देखो, ये इतना आसान नहीं है। इंसानों के साथ ऐसा करना, अरे मैं भी तो काम आसान नहीं होता। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे सुनो तो, मुझे काम करना है। उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? शायद अच्छी यादों से, उन्हें बार बार वो सब याद दिलाना जो अच्छा था, ताकि उनकी उदासी दूर हो सके। शुक्रिया अमन। अरे कोई बात नहीं। ठीक है, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मुझे अभी तक जो कुछ भी अनुभव मिला है, शुक्रिया। उसने मुझे ये एहसास दिलाया है कि जब भी हम किसी करीबी को खोते हैं तो हमें उनकी मौत से समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन क्या अच्छी आदतें इंसान के दर्द को दूर कर सकती हैं? हे, हे, हाँ, क्या हुआ? कोई मर गया क्या? कुछ नहीं हुआ यार। कुछ नहीं हुआ तो मूड क्यों ऑफ है? चलो मेरे साथ आओ। अरे आओ आओ आओ। अरे चलो ना, चलो चलो। कहाँ जाना है? अरे कहीं नहीं, बस बात कर रहे हैं। वैसे बहुत दिनों से तुम बोर्ड गेम नहीं खेल रहे हो, क्या बात है? उसके लिए पागल। देखो अजिंक्य, जिसके बारे में कृष्णा ने तुम्हें बताया था। हाँ, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख रही हो, तीरंदाजी ही इसकी हॉबी है। ये इसमें माहिर है। मैं इसे कल ऑफिस के बाद देख लूंगी। देखो मुझे फिक्र हो रही है, ये बहुत ताकतवर लग रहा है। क्या हमें सूजन और कबीर को नहीं बुलाना चाहिए? तुम भी अभी खून नहीं पी सकते हो तो उन्हें बुलाना ही सही रहेगा। जैसा तुम चाहो। क्या श्रेया को इस बारे में पता है? मैं टॉयलेट का बहाना बनाकर निकल गया था। अरे क्या टीम की मीटिंग चल रही है? क्या आप लोग वैम्पायर के पीछे जाने वाले हैं? मुझे भी आने दीजिए ना प्लीज। अरे मैंने कराटे भी सीख लिए हैं। मैं तुम लोगों को हराना नहीं चाहती ना, इसलिए। नहीं चाहती हो तो मत आओ। एक मिनट, क्या तुमने टीम कहा? हाँ मैंने टीम ही कहा, हमारी टीम। टीम 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 टीम। मुझे जाना होगा बॉस। टीम टीम।
मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम वापस आ गए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका और दें। तुम अपने खून से और दूर नहीं रह सकते। हाँ मिस्टर धनराज। चलो अब पॉइंट पर आते हैं। मैंने यह फैसला किया है कि मैं शिल्पा की मदद करूंगा उसकी बहन को ढूंढने में। रानी को ढूंढने के बाद मैं उसे मार दूंगा। अगर शिल्पा उसमें रुकावट बनेगी तो मैं उसे भी मार दूंगा। और आखिर में यह उतना दर्दनाक नहीं होगा। हम अपनी मीटिंग तो छोड़ सकते हैं पर अपनी बाइक नहीं लेके जा सकते। तो आप क्या करना है? इसका ये प्रॉब्लम है कि मैं गियर शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ। शायद इसे रिपेयर करना होगा। तुम मुझे इसका एक डेमो दिखाओ। इसके बारे में नहीं मेरे बारे में सोचो। ये काट लो और मुझे कॉल करना। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनो तुम दोनों, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई। कबीर और सुजैन वो दोनों अंदर हैं। मुझे टीम में शामिल करना मत भूलना। टीम। तुमने प्रॉमिस किया था, अब क्या? चलो फिर चलते हैं। आती हूँ। तो हमें अलग अलग होना होगा। अगर हमें अजिंक्य को पकड़ना है हमें उसकी दिनचर्या को समझना होगा कि वो क्या क्या करता है और कहाँ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करने की जरूरत है जरा बताइए। उसके पास फाइटिंग स्किल है और अगर वो सीसी कॉरपोरेशन के साथ जुड़ा हुआ है या किसी और के साथ, ये हमें पता करना है। अमन और मैं हम दोनों उसका कोर्ट में नजर रखेंगे। तुम और सुजैन उसका लॉकर रूम में यहाँ इंतजार करना। ओके। और मैं क्या करूं? तुम यहीं रुकना अगर वो बाहर गया तो देखने के लिए। ओके जैसा तुम कहो। मैं तुम्हारी टीम में हूं ना? ठीक है।
वो आ रहा है। सब लोग अलग हो जाओ, काम पर लग जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ओके। अरे मैं अकेली हूँ, चलो देखते हैं ये लोग कहाँ हैं। ये इसकी हॉबी है, ये तो नेशनल प्लेयर से भी अच्छा है। वैम्पायर की नजर इंसानों से तेज होती है, वो अपनी सांस को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए जब वो शूट करता है तब शांत रहता है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर थोड़ा पेशेंस तो रखिए, मुझे पता है इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। श्रेया, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे थ्रिल की जरूरत है, मैं वहाँ बोर हो रही थी। तुम्हें कुछ मिला? हे, अंदर अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। ओके, जल्दी। देखने दो। मुझे लगता है हम समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं दोबारा खून पी सकती हूँ, वो आसान होगा। देखो ऐसा मत करना, अगर तुमने खून पी लिया और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुम सीरियस हो क्या?
हाँ मैं सीरियस हूं, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो आ गया। उसने बंद कर दिया। बड़ी बहादुर हो तुम, मेरी तो जान ही निकल गई होती। बढ़िया सूजन, चलो अब निकलना चाहिए हमें। देखो ये लोग आ गए।
क्या हुआ, कुछ मिला क्या? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने फोटोज लिए हैं। और तुम लोगों को कुछ मिला? हमें कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है हमें कहीं और चलना चाहिए। नॉर्मल एविडेंस के अलावा हमें ये डायरी भी मिली है। मैंने सारी फोटोज नहीं ली हैं, कुछ पेजेस की हैं। उसने अपनी मिसिंग फैमिली के बारे में इसमें कुछ लिखा है, जो अब वैम्पायर बन चुकी हैं। जैसा कि शिल्पा ने हमें बताया था, शायद इस अजिंक्या ने ही प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। ये अप्रूवल उसने धनराज के हॉस्पिटल से दिया, शायद ऐसा ही कुछ। तो फिर क्या तुम्हें लगता है मेरी बहन शायद इसी प्रोजेक्ट में है? ये सिर्फ एक अंदाजा है। अगर हम इसे ढूंढ ले तो हो सकता है कि अमर को भी ढूंढ ले, ताकि हमें इस ब्लड के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाए। तब पता चलेगा कि वो रिलेटेड है या नहीं। मैं इस बात से सहमत हूँ। और मैं भी। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी सहमत हूं। लगता है ये गलत समय था। मैं जा रही हूं। आवाज कैसी थी? मैं अच्छा हूं। अच्छा हूं इसका क्या मतलब है? कौन हो तुम? डेविड हूं। मैं वो इंसान हूं जिसे तुम भूल गई। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, तुम्हारी रानी को ढूंढने में। शिल्पा, शिल्पा, मैं रिपोर्टर हूं। डेविड, हर शाम को हम एक बाग में
वॉक किया करते थे। एक दिन तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया था, हमने साथ में खाना खाया, मैं रानी से मिला और वो मैं ही था जिसने ये फोटो ली थी। ये देखो, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, क्योंकि मैंने वैम्पायर का खून पिया इस वजह से मैं थोड़ी बहुत बातें भूल गई हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे शिल्पा, वो शायद तुम भूल गई हो। मैं समझ सकता हूं, लेकिन रानी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम तुम पे भरोसा कैसे करें? पास्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, इस फोटो के बारे में सिर्फ मैं और वो जानती थी। अजिंक्य बहुत ही शक्तिशाली है, अगर हम साथ में काम करेंगे तो शायद हम उससे जीत सकते हैं, मुझे भरोसा है। ज्यादा होगी, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। हम एक दूसरे से प्यार करते थे शिल्पा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? मेरे साथ रूम में चलो ना तुम। आपका कंप्यूटर फिर से खराब हुआ? आओ ना। मुझे शिल्पा से प्यार हो गया? हाँ, मुझे नजर आ रहा है, छुपाओ मत,
तुम्हें मेरे फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना भाई मानने लगी हूँ। वो क्या है, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ उसका नाम, कौन है वो खुशनसीब? उसका नाम कबीर है। ये सच है क्या बॉस? उदास मत हो ना तुम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो सुजन। अजिंक्य के आते ही हम शुरू कर सकते हैं। ओह, तुम हमें फॉलो कर सकती हो, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा होगा, संभाल के रहना। मेरी इतनी चिंता है, इसके लिए शुक्रिया। डेविड कहाँ है? वो तो हमारी मदद कर रहा है ना? ये डेविड कौन है? उसने मेरी जान बचाई थी। कहाँ है वो? मैंने कभी उसे नहीं देखा। हमारा टारगेट आ गया है। चलो। सुजन, तुम ठीक हो? सुजन सर, सुजन
क्या चाहिए तुम्हें बोलो। नहीं बोलोगी?
कुछ है दुआ तुझ